नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। ये इस वीडियो में बात करते हैं लव आजकल मूवी के बजट को लेकर, स्क्रीन काउंट को लेकर हम बात करेंगे कि मूवी हिट होगी कि फ्लॉप, क्या हो सकता है मूवी का लाइफ टाइम प्रेडिक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी में काम करने वाले कलाकार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस मूवी में कार्तिक आर्यन काम कर रही हैं और उनकी लवर यानी कि रियल लाइफ में उनकी लवर सारा अली खान इसमें एज अ जोड़ी है, हीरोइन है। और मूवी को डायरेक्ट किया है इम्तियाज़ अली जी ने। दोस्तों, स्क्रीन काउंट की बात करें तो लव आजकल जो स्क्रीन पर रिलीज़ हो रही है 2500, बहुत ही अच्छे वाइड रिलीज़ आप कह सकते हैं। और मूवी का बजट है लगभग 65 करोड़ के आसपास, 65 करोड़, यानी कि इसमें आप 55 करोड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 10 करोड़ इसकी एडवर्टाइजिंग में खर्चा हुआ है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि लव आजकल का जो ट्रेलर था काफ़ी इसका अच्छा बस था, लेकिन ओवरऑल मूवी रिलीज़ होने के बाद जो उसकी पब्लिसिटी है, जो उसके क्रिटिक्स ने तो काफ़ी एवरेज रेटिंग दिए हैं, लेकिन ओवरऑल जो बज है पब्लिक रिव्यू को ध्यान में रखे तो मूवी बहुत ही मतलब कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी तरह से आप कह सकते हैं पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मूवी अपने 65 करोड़ के बजट को क्रॉस कर पाएगी। तो मूवी इन इंडिया नेट कभी भी फ्लॉप और हिट की कैटेगरी नेट के कलेक्शन पे होता है, मतलब इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नेट पे होता है। मुझे ऐसा लगता है इस मूवी का जो कलेक्शन होगा वो 48 करोड़ से 50 करोड़ के आसपास होगा और ये मूवी फ्लॉप होगी। आपको क्या लगता है? तब तक के लिए धन्यवाद।